गॉड, क्या कहा जाए छिबा जी। लेकिन अब यही पूछेंगे कि अब क्या होगा इन प्लेयर्स का, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, ये बेचारे ऐसे ही जूझते रहेंगे। हालांकि जो विनेश का जो ट्वीट है वो काफी हौसला अफजाई वाला ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि हमारी स्पिरिट्स तो डैम्पर नहीं होंगी। तो अब ये सबक कैसे सीखेगा जो बृजभूषण शरण नाम का व्यक्ति, और क्या मोदी जी से कोई सबक सीख पाएंगे, या फिर ये दोनों मोदी जी और बृजभूषण शरण हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, और जो इनका जो अल्टीमेट लक्ष्य है कि अब तो भाई कर्नाटक खत्म हो गया, कर्नाटक शायद जितवा दिया होगा कुछ पैसों से बृजभूषण शरण ने, तथा कथित शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, अब तैयारी शायद लखनऊ की होगी, या लखनऊ जीतना है, दिल्ली जीतना है, 2024 की लड़ाई शुरू हो गई है। यानी कि बृजभूषण शरण बिल्कुल बेबाक होकर जैसे सोने की चेन पहनकर निकलते हैं, बेधड़क बोलेंगे, लेकिन इन महिला पहलवानों एक तरीके से अब वो पीछे छूट गए, मोदी जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं नहीं है। दो चीजें हैं, जो जो ट्वीट है विनेश का, मुझे लगता है थोड़ा सा आत्मकेंद्रित है, उसमें हौसला बहुत है, मगर उनको अपने अपने देशवासियों से अपील करनी चाहिए, सीधी अपील करनी चाहिए कि शिवाजी इतना हौसला था 2017 में जब रियो में ओलंपिक्स हो रहे थे, ये मेडल कंटेंडर थे और साक्षी नहीं थी, ये नहीं जीत पाई, साक्षी जीती थी, वो हमारा गौरव बढ़ाया था। इनके साथ क्या हुआ था, इनकी इनकी नी हमें आवाज आई थी, मैं मेरा और इनका डिस्टेंस होगा करीब, जहां हम रिपोर्टर्स थे, करीब 50 मीटर से थोड़ा कम होगा, 30 मीटर के आसपास, वहां तक आवाज आई थी कड़क, और कड़क का मतलब है जब आपकी नी टूट गई किसी भी रेसलर की, आप उसका रेसलिंग नहीं कर सकते, ये आकर के वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो हौसले की बात मत कीजिए प्लीज, कैरी ऑन। सॉरी आपको जी जी, मैं बहुत शुक्रिया ये बात कहने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है अगली बार पुलिस वहीं पर उसके चोट ना मारे, क्योंकि ये पुलिस की जब लाठीचार्ज होता है ना, तो यही होती है कि वो इस लायक नहीं रखते कि आप अगले प्रोटेस्ट में आ सके। ये पुलिस वालों ने ही कभी कुछ लोगों से जान पहचान हुई तो उन्होंने ये बात बताई है कि, और वो मेरे भले के लिए बता रहे थे जब प्रोटेस्ट में मैं जा रही थी कि आप मत जाइए, ऐसा होता है, और पुलिस का को आदेश ये होता है कि अगली बार वो आदमी दोबारा प्रोटेस्ट में आने लायक नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा ये कमजोरियों का ध्यान रखें। एक चीज़ देखिए, जो मैं उनकी हौसलों में कमी नहीं है, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, तो इस स्ट्रैटेजी में भी, और जो बहुत माकूल बात है ये कि वो अपने देश का आह्वान करें, देश के लोगों का आह्वान करें, देश के तमाम युवाओं का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम महिलाओं का आह्वान करें कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ आइए। ये संस्थानों से और सरकार से अपील करने की लड़ाई नहीं है, या इसको इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता कि हम विपक्षी दलों को नहीं आने देंगे, हम फला को नहीं आने देंगे। डोंट चूज योर पार्टनर्स नाउ। यू आर दीज डॉटर्स आर फेसिंग द डिक्टेटर, एंड द डिक्टेटर इज द होल सिस्टम। आपको सिस्टम से कुछ नहीं आने वाला है, अब आप चूज मत करिए, आप सबको लाइए। एक चीज तो, दूसरी बात जो आपने ब्रजभूषण की बात करी, नीलू जी, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें इस चरित्र से इतना अचंभा हो क्यों रहा है, क्या इसके ऊपर बैठे लोग इससे अलग हैं, और वो तो और भी आगे बढ़े हुए हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम हैं वो और भी भयानक हैं। तो आप ये बताइए, ब्रजभूषण ने तो किसी इन महिलाओं में से किसी का कत्ल नहीं किया, बिल्किस बानो के कातिलों का आपने सुना, उससे पहले जो पूरी सीरीज है प्रजापति, सोहराबुद्दीन से लेकर के जज लोया तक आती है, आपको पता है, तो ये सारी जो सीरीज है वो किसने करवाई है। तो हमें हम इस बार राजनीतिज्ञों से, सियासी लोगों से गवर्न हो ही नहीं रहे, ये सियासी लोग नहीं है। और जब ये लोग ये बात कहते हैं कि हम 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि ये 50 साल कह रहे हैं, तो 50 साल तक की तैयारी इन्होंने अगले साल विपक्ष में बैठने के लिए भवन नहीं बनवा रहे हैं, ये बीजेपी के, ये जो जितने भी इमारतें इनके लिए बन रही है आम जनता के पैसे से, बीजेपी के लिए जो इमारतें बन रही है वो वाकई 50 साल के लिए बन रही है, इसको थोड़ा संजीदगी से लीजिए। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर, और जो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, उस बात में थोड़ा दम है, क्योंकि आपने देखा कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे कल आपने नहीं याद किया, मुझे बड़ा बेचैनी थी कि मैं ये बात आती और कहती कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जा चुके हैं, हम इसका ऐलान कभी नहीं करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बन जाने का ऐलान कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सूट करता है कि ये ढकोसले बने रहे, हम इमरजेंसी लगाने का कभी ऐलान नहीं करेंगे,
ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन हम फासिस्ट हैं, हम डिक्टेटर हैं, हम नॉन डेमोक्रेटिक हैं, हम ये सब हो चुके हैं, हमें ऐलान करना सूट नहीं करता है। तो बहुत से लोग चढ़ाने के लिए एक बहुत वीक सा, एक पिलपिला सा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम देखेंगे कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, संविधान को कोई हटा नहीं सकता। अरे भाई, होश के नाखून लो भाई, देखो हो क्या रहा है। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो कैरेक्टर है जिस ब्रजभूषण सिंह का, तो इसको हम लोग जरूरत से ज्यादा डेमोनाइज ना करें, क्योंकि इससे बड़े डेमोन्स ऑलरेडी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये इसको जरूर रेखांकित करना पड़ेगा। वी आर नॉट डीलिंग विद रेगुलर पॉलिटिशियंस दिस टाइम, वी आर डीलिंग विद सम अदर एंटिटीज। तो वो उन एंटिटीज के साथ डील करना हमें आता ही नहीं था। हमारी जो पूरी तरबियत थी वो स्वतंत्रता आंदोलन की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की थी, हमारे धरने प्रदर्शन और उपवास के आंदोलन की थी। ये लोगों के सामने नहीं चलने वाले हैं। आप अपनी गर्दन कटा दीजिए, हु केयर्स। और कितनों ने कटा दी जो पुलवामा कर सकते हो या पुलवामा से फायदा उठा सकते हैं, तो आप सोचिए बचा क्या है इस देश में। तो ये बिल्कुल नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस समय हम जो पुरानी हमारी तरबियत है, जो शिक्षा दीक्षा है पॉलिटिक्स करने की, उसको भूलना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो बात आपने कही कि इस समय सरकार के भरोसे शायद इन महिला पहलवानों को नहीं बैठना पड़ेगा, और इनको समाज के हर तबके को अपने साथ बुलाना चाहिए, और बहुत भारी तबका है जो आज इन महिला पहलवानों के साथ है, जो अपने आप को संबद्ध करता है इन महिला पहलवानों से। लेकिन बात वही है कि इससे शर्म की बात और क्या होगी। हम तो बोल भी रहे हैं, लेकिन कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहने के नाम पर न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन वो कितनी खबरें इनके बारे में दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि नए राजा का नया संसद तैयार हो गया है, उसको न संविधान से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है, न महिला पहलवानों से मतलब है। मतलब कब था? जब फोटो खिंचवानी थी, जब वो मेडल्स जीत कर आए थे। लेकिन आज उन पर क्या बीत रही है, इससे नरेंद्र मोदी को कोई सरोकार नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाजी थैंक यू सो मच, शेखर लूथरा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ नेटवर्क पर। थैंक यू।